सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और वेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्केट के रिपोर्ट कार्ड के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज यानी 5 जनवरी 2022 के दिन मार्केट में क्या हाल रहा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो इसकी शुरुआत तो हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद ये कल की क्लोजिंग से भी नीचे जाता हुआ नजर आया। उसके बाद लगातार पूरे दिन इसमें तेजी का ट्रेड देखने को मिला। इसकी क्लोजिंग 120.2 पर 0.67% की मजबूती के साथ होती हुई नजर आई। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो इसकी शुरुआत भी हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ हुई थी और उसके बाद लगातार ये तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। इसकी क्लोजिंग 855.2 पर 2.32% की तेजी के साथ होती हुई नजर आई। यानी कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ही बढ़िया तेजी का ट्रेड देखने को मिला, लेकिन निफ्टी आज थोड़ा सा आगे जाता हुआ नजर आया। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में करीब 34 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नजर आए, वहीं 16 स्टॉक में आज भी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 11 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नजर आए, वहीं एक स्टॉक आज बिकवाली का शिकार होता हुआ नजर आया। अब देखिए बात करें निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर की, तो देखिए टॉप गेनर में सबसे टॉप पर था बजाज फिनसर्व, जिसमें आज करीब 5% की तेजी देखने को मिली। वहीं बजाज फाइनेंस दूसरे नंबर पर था, जिसमें करीब 4.5% की तेजी देखने को मिली। कोटक बैंक भी पीछे नहीं था, इसमें भी 4.25% की तेजी देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील भी करीब 3.5% उछलता हुआ नजर आया। ग्रासिम में भी आज करीब 3.25% की तेजी देखने को मिली। यानी कि काफी बढ़िया मूवमेंट आज के दिन देखने को मिला। वहीं टॉप लूजर की बात करें तो टॉप पर था टेकम, जिसमें करीब 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इन्फी की बात करें तो इसमें भी करीब 3% के आसपास की गिरावट हुई है। एचसीएल टेक की बात करें तो ये भी करीब 2.25% के करीब नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। डिवीज लैब की बात करें तो ये भी करीब 1.5% के आसपास गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। विप्रो में भी करीब 1.25% की गिरावट आज के दिन देखने को मिली। अब देखिए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर की, तो टॉप गेनर में सबसे टॉप पर था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार गिरता ही जा रहा था और 1000 रुपये से नीचे का भी इसने लो बनाया। और देखिए लगातार हम बात कर रहे थे कि 2-3 हफ्तों से लगातार ये गिर रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन से इसमें लगातार तेजी का ट्रेड देखने को मिल रहा है और आज के दिन तो ये 8% ऊपर तक चला गया था, लेकिन इसकी क्लोजिंग 6.70% की तेजी के साथ होती हुई नजर आई। कोटक बैंक की बात करें तो 4.25% के आसपास ये भी ऊपर था। बंधन बैंक भी 3.5% ऊपर था। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी करीब 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो ये भी करीब 2.25% के आसपास तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। गिरने वाले बैंकों में केवल एक ही था, इंडसइंड बैंक, जिसमें मामूली सी गिरावट करीब 0.05% की गिरावट के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। यही एकमात्र बैंक निफ्टी में स्टॉक था जो कि गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। देखिए बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स में मिला जुला रुझान था, कुछ ग्रीन जोन में थे और कुछ रेड जोन में ट्रेड करते हुए नजर आए। अगर रेड जोन की बात करें तो देखिए यहाँ पर निफ्टी स्मॉल 100 फ्री जो इंडेक्स है वो करीब 0.25% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं आईटी स्टॉक भी आज करीब 2% नीचे ट्रेड करते हुए नजर आए। वहीं फार्मा स्टॉक की बात करें तो इसमें भी मामूली सी गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर बात करें मीडिया स्टॉक्स की, तो ये भी करीब 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो ये भी मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं चढ़ने वाले इंडेक्स की बात करें तो देखिए रियल्टी सेक्टर भी करीब 1.20% ऊपर था। वहीं बैंक निफ्टी जैसे कि आपको पता है 2.25% के आसपास तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं मेटल सेक्टर में भी आज करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली। 1% के आसपास ऑटो सेक्टर भी तेज था। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो ये भी 2% तेज होता हुआ नजर आया। प्राइवेट बैंक की बात करें तो ये भी करीब 2.25% की तेजी के साथ इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो अच्छी खासी तेजी यहां पर आज के दिन देखने को मिली। कुछ एक इंडेक्स थे जिसमें हल्की सी मामूली सी गिरावट देखने को मिली थी। अब देखिए इंडिया विक्स जो कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंडेक्स है, उसकी अगर बात करें तो ये आज करीब 7% के आसपास उछलता हुआ नजर आया। यानी कि साफ दिख रहा है मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं आईपीओ अपडेट की। तो आईपीओ में जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड का जो आईपीओ है उसको सेबी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है और अब ये आईपीओ कभी भी मार्केट में ओपन हो सकता है। देखिए ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं, करीबन 20 से 25 आईपीओ हैं जिनको सेबी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है लेकिन अभी भी वो मार्केट में ओपन नहीं हुए। देखिए कंपनी भी देखती है कि मार्केट का माहौल ठीक हो जाए उसके बाद ही हम अपना आईपीओ लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से आपको परेशान नहीं होना है, आईपीओ आने वाले हैं और जनवरी के महीने में भी आपको करीब 7-8 आईपीओ जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कब आते हैं आईपीओ, जब भी आएंगे आपको अपडेट देंगे। वहीं अगर बात करें जो रीज़न ऑफ स्ट्रेंथ के आज का जो 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 तेजी हुई है उसका क्या रीज़न था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो जो वायरस बढ़ रहा है उसके लिए वैक्सीन वगैरह लगाई जा रही है और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब मृत्यु दर जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहें या इंडिया में कहें काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके कारण यहाँ थोड़ा सा सुकून की सांस लेते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर मार्केट भी ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब पहली बार कोरोना कहर आया था तभी मार्केट ज़्यादा गिरा था, दूसरी बार में उतना इफेक्ट नहीं हुआ और मुझे लगता है तीसरी बार में भी इतना ज़्यादा इफेक्टेड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे खरीदारी करिए, धीरे धीरे अपने जो भी आप पसंद है आपको या फिर जो आपने चुन के रखा है कि किसको खरीदना है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपको खरीदते जाना चाहिए और निश्चित रूप से अच्छी खासी तेजी अभी आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।